नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ गजानन माधव मुक्तिबोध का एक लेख, अंतरात्मा और पक्षधरता। दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी के महान कवि, साहित्य चिंतक, विचारक, गद्यकार, पत्रकार, अनेक क्षेत्रों में उन्होंने अपने विचार रखे। उनकी एक पुस्तक है नई कविता का आत्मसंघर्ष, जिसमें ये लेख संकलित है। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने समय के साक्षी रहे हैं और अपने समय की बहसों में हिस्सा लेते रहे हैं। उनके समय में लेखक की पक्षधरता का सवाल, लेखक की प्रतिबद्धता का सवाल, वो किस ओर है, उसकी राजनीति क्या है, उसकी वर्गीय स्थिति क्या है, ये सवाल बहुत जोरों से प्रखरता के साथ साहित्यकारों के बीच में चर्चा का विषय था। उसी बहस में शामिल हुए मुक्तिबोध, इसीलिए उनकी कविताओं में, उनके लेखों में, उनके साहित्य चिंतन में प्रतिबद्धता का सवाल, पक्षधरता का सवाल एक मुख्य सवाल बनकर के आता है। पक्षधरता उनके लिए अपने जमीर जैसी कोई चीज है। तो प्रस्तुत है दोस्तों अंतरात्मा और पक्षधरता मुक्तिबोध का एक लेख। पक्षधरता का प्रश्न हमारी आत्मा का, हमारी अंतरात्मा का प्रश्न है। मैं उस आत्मा का, उस अंतरात्मा का पक्षधर हूँ, और चूंकि मेरी अंतरात्मा की हलचल और बेचैनी आपकी अंतरात्मा की हलचल और बेचैनी से मिलती जुलती है, इसलिए जहाँ तक अंतरात्मा का प्रश्न है, मैं आपका भी पक्षधर हूँ और आप मेरे भी पक्षधर हैं। और चूंकि हम आप जैसे अंतरात्मा वाले बहुत से लोग इस संसार में हैं, इसलिए हम सब उन सब के और वे सब हम सब के पक्षधर हैं, चाहे वे हिंदी क्षेत्र के हों या अन्य भाषा क्षेत्र के, भारत भूमि के हों या उसके बाहर के। संक्षेप में, हम सब एक प्रवृत्ति हैं, एक धारा है, भावधारा, विचारधारा, जीवनधारा, और हम सब उसी धारा के अंग हैं, और हम इस धारा के पक्षधर हैं, और हम बिना इस पक्षधरता के अपने आप को अपूर्ण, मूल्यहीन और निरर्थक पाते हैं। क्या हमारी यह पक्षधरता गलत है? पक्षधर होने की हमारी यह खुली प्रवृत्ति गलत है? अपनी अंतरात्मा का और अपनी जैसी अनगिनत अंतरात्माओं का पक्षधर होना गलत है? जवाब साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी अंतरात्मा की और अपनी जैसी अन्य अंतरात्माओं की पक्षधरता और मजबूत बनाएंगे, इस धारा को दृढ़ करेंगे, विस्तृत करेंगे। और अगर विपक्षी हमारी इस धारा पर हंसते हैं, धिक्कारते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, तो उन्हें हंसने दो या खींचने दो, क्योंकि वे हैं, हम हैं। एकदम यह सही है कि हमारी अंतरात्मा जो कुछ हमें कहती है उसके अनुसार हम चल नहीं पाते, कर नहीं पाते, वैसा साहित्य सृजन नहीं कर पाते। और इसीलिए तो अंतरात्मा है जो यह कहती है कि बेवकूफ, तुम यहाँ चूक गए। हाँ, यह सही है कि अंतरात्मा जिन भाव समुदायों को, जिस भावधारा को, जिस विचारधारा को लेकर चल रही है, उसमें ज्ञान के प्रकाश के साथ ही साथ अज्ञान और पूर्वाग्रहों का अनजाना अंधकार भी हो सकता है। हाँ, यह सही है, अज्ञान और अर्धज्ञान के, पूर्वाग्रहों के, दुराग्रहों के अंधकार की ओर न देखते हुए मैं अपने प्रतिपक्षी के उन सशक्त तर्कों और प्रचंड युक्तियों, उसके अपने सत्यांशों को उपेक्षा भरी दृष्टि से देखता हूँ। हाँ, यह सही है कि मैं अपने आवेग में सत्य के नाम पर आत्मबद्ध दृष्टि ही को यथार्थ दर्शन समझते हुए जूझ जाता हूँगा। यह सब सही हो सकता है, यह सब सही है, किंतु केवल इतना ही सही नहीं है। यह भी सही है कि मेरी अंतरात्मा ने जीवन यात्रा में जिन लक्ष्यों और भाव दृष्टियों को प्राप्त किया है, जिस भावधारा का विकास किया है, उसमें महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ भी हैं। उस अंतरात्मा ने जिन विशेष आग्रहों का विकास किया है, वे उसके लक्ष्यों से प्रसूत आग्रह हैं, वे प्रयोजन हैं, वे अंतरात्मा के संवेदनात्मक उद्देश्य हैं, वे कर्म प्रक्रिया के लक्ष्य हैं।
चाहे वह क्रम प्रक्रिया कलाकार का कर्म ही क्यों न हो। उन उद्देश्यों और प्रयोजनों, उनसे प्रसूत आग्रहों और अनुरोधों से मैं तटस्थ नहीं हूँ। मैं अपनी अंतरात्मा का पक्षधर हूँ और अपने जैसे अन्यों की अंतरात्माओं का भी पक्षधर हूँ। इसलिए आप ही आप मेरे अनजाने मेरा अपना एक शिविर बन जाता है, चाहे मैं उसे शिविर कहूँ या ना कहूँ। भले ही मैं उस शिविर के सदस्यों के भौतिक अस्तित्व से अपरिचित रहूँ, इसलिए मैं यह लेकर चलता हूँ कि मेरे जैसे न मालूम कितने ही लोग हैं जो मित्र हैं, संभाव्य मित्र हैं। मैं उन्हें नहीं जानता, शायद उन सबको जानना संभव नहीं है। उसी प्रकार मैं यह भी जानता हूँ कि जिस प्रकार मैं अपने अनजाने शिविर बन जाता हूँ या एक शिविर का सदस्य अपने जाने अनजाने हो जाता हूँ, उसी प्रकार दूसरे लोग भी अपने जाने अनजाने अन्य शिविरों के सदस्य बन जाते हैं और मुझे मुक्तिबोध के नाम से न पहचान कर उस शिविर के एक सदस्य के नाम से पहचानते हैं। और इस प्रकार मैं अपने जाने अनजाने स्वयं कुछ ना करते हुए भी, उनके विरुद्ध कुछ भी ना करते हुए भी, उनके प्रतिकूल भाव का, उनकी कोप दृष्टि का, उनके विरोध कार्य का शिकार बन जाता हूँ। मेरे जाने अनजाने ही वे मेरे विरोधी और शत्रु बन जाते हैं। यह द्वंद्व एक वास्तविकता है, उससे छुटकारा नहीं। हाँ, यह सही है कि द्वंद्व का क्षेत्र और धरातल का जानना एकदम जरूरी है, क्योंकि उसका रूप, उसकी प्रक्रिया विभिन्न स्थिति दशाओं में, विभिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न होते हुए भी उसकी मूल सामान्य विशेषताएं क्षेत्र और धरातल के अनुसार ही बनती हैं। और इस द्वंद्व स्थिति में पढ़कर ही हमें मालूम हो जाता है कि हमारे प्रतिपक्षी ने बहुत बहुत सही बातें कही हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है। उन सही सही बातों का उसने जो उपयोग किया है, तो कौन सी स्थिति की स्थापना के लिए। और अगर मैं पहचान जाऊं कि उसने ये सही सही, ये सच्ची सच्ची बात कही हैं, तो मैं उन्हें उठा लूँगा। जिस प्रकार यथार्थ का एक अंश मेरे सम्मुख खुला हुआ है, उसी प्रकार यथार्थ का एक अंश उसके सम्मुख भी खुला हुआ है। सही है कि हमारे प्रयोजन और उद्देश्य, लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं, इसलिए वह अपने प्रयोजन के अनुसार एक विशेष कोण की ओर ही दृष्टिक्षेप करता है, जिस पर मैंने अगर दृष्टिक्षेप किया भी था तो ध्यान नहीं दिया था, उस कोण दृश्य को महत्व नहीं दिया था। इसलिए यथार्थ के कुछ अंश जो उसके सामने खुले, मेरे सामने नहीं खुले थे। मैं अवश्य ही उसके सत्यांशों को स्वीकार कर लूँगा और अपने में मिला लूँगा। अपनी विचारधारा, भावधारा, अपनी भाव दृष्टि में जो कमजोरियाँ, जो खाइयाँ और जो कंटीले अहाते हैं, उन्हें भरसक कम करने की कोशिश करता जाऊँगा। कोई भी द्वंद्व हो, परिस्थिति ही से द्वंद्व क्यों ना हो, उसमें पढ़ने से मनुष्य की यथार्थ चेतना बढ़ती ही है, यथार्थ का अधिकाधिक ज्ञान उसे होता जाता है। किंतु मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि ये द्वंद्व झूठे द्वंद्व ना हो। अपनी अहमबद्ध भेद बुद्धि के कारण हम झूठे द्वंद्वों का सृजन कर लेते हैं। जो हमसे भिन्न है, वह केवल अन्य ही नहीं, वह विरोधी भी है, विपक्षी भी। यह मानकर चलने के लिए मैं तैयार नहीं। अहंकार अपना एक इंद्रजाल खड़ा करता है, तर्क और युक्ति, सही और आधी सही बातों का एक अस्त्रागार उसके पास है। लेखक अपनी लेखनी से भी अपने अहंकार की तुष्टि करता है। वह खुद ही अपनी आंखों के सामने कैसा कैसा अभिनय करता है तन्मय होकर। मैं इससे बचना चाहता हूँ और पराजित हो जाने में ही अपना कल्याण समझता हूँ, क्योंकि पराजित हो जाने से ही तो कोई विजित नहीं हो सकता। मनुष्य की बुद्धि इतनी कम है, यथार्थ का प्रसार इतना विस्तृत और उलझाव भरा है, केवल मेरी ही अपनी ज्ञान प्रक्रिया में सीमित रहने से मैं उसका सर्वश्लेषी आकलन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ ज्ञान परंपरा, भाव परंपरा और उसको धारण करने वाला यह जो जगत है, मैं उसे चाहने लगता हूँ। मैं इंतजार करता हूँ और इंतजार करने में विश्वास रखता हूँ। यह इंतजार आलसियों का या भाग्यवादियों का इंतजार नहीं है। प्रतीक्षा के इस काल में मनन चलता है, अपने ही जीवनात्मक, भावुक और बौद्धिक स्थितियों का। यह मनन विभिन्न आत्म संशोधनों को ले आता है।
किंतु यह प्रतीक्षा है काहे की? इस बात की प्रतीक्षा है यह कि संभव है किसी देश में अथवा अनेक देशों में अथवा इस भारत भूमि में ही ऐसे लोग हैं जिनके सामने ठीक वे ही प्रश्न हैं जो मेरे सामने हैं। उनकी भी प्रवृत्ति ठीक वही है जो मेरी है, और उन्होंने अवश्य ही इन प्रश्नों पर सोचा होगा, शायद मुझसे ज्यादा सोचा होगा, अधिक व्यापक होगा उनका सोच विचार। संभव है, हाँ संभव है। इसलिए आज नहीं तो कल जो दृष्टि सामान्यतः गृहित है उसमें संशोधन होंगे। संशोधन अवश्यंभावी हैं, वे एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंग हैं। इसलिए मैं ऐतिहासिक प्रक्रिया की ज्ञान के क्षेत्र में भी दृष्टि विकास के क्षेत्र में अनवरत क्रिया पर विश्वास रखता हूँ। संक्षेप में, मेरी जैसी अंतरात्मा वालों की, मेरी जैसी प्रवृत्ति वालों की एक परंपरा है। वह परंपरा प्रक्रिया मेरे प्यारे देश में ही नहीं अनगिनत देशों में है। मैं उस परंपरा क्रिया का अंग हूँ और अपनी परंपरा को ढूंढता भी फिरता हूँ। दुख इसी बात का है कि मैं अंग्रेजी को छोड़ दूसरी विदेशी भाषा नहीं जानता, और हिंदी और मराठी को छोड़ अन्य कोई भारतीय भाषा नहीं जानता। अकिंचन इतना हूँ कि हिंदी की किताबें भी नहीं खरीद सकता, और लिखने के कागज जब ज़्यादा खर्च हो जाते हैं तब सोचता हूँ कि मैं कितना फिजूल खर्च हूँ। ऐसी स्थिति में मैं क्या अपनी परंपरा ढूंढूंगा? किंतु हर समस्या का एक न एक समाधान है, चाहे अधूरा ही क्यों ना सही। इसलिए मैं अपने आसपास के लोगों, अपने मित्रों, आत्म संबंधियों और अपने सहयोगियों तथा परिचितों में उसे ढूंढने लगता हूँ, और उनसे बहस छिड़ जाती है या चर्चा हो जाती है, और बहुत बार धरित्री अपने रत्न उगल देती है, और मैं अपने प्रभाव में भी अत्यंत संपन्न अनुभव करने लगता हूँ। किंतु देश विदेश में हो रहे प्रयत्नों की संभावना की उपेक्षा मैं नहीं कर पाता, और इस तरह मेरी छाया पृथ्वी पर भटकती रहती है, भटकती रहती है। अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है नामक मेरी एक कविता में मेरी इस प्रवृत्ति का चित्रण है। मेरे अपने लेखे उसमें एक लिरिसिज्म है, एक यथार्थ प्रवण रोमानी किस्म की कल्पनाशीलता है, एक आवेश है, और अंत में आत्मलोचना है। इस प्रकार मैं द्वंद्व स्थिति में पढ़कर मैत्री ही प्राप्त करता हूँ। हाँ, यह सही है कि मेरी जैसी अंतरात्मा वाले लोग मुझे धिक्कार भी सकते हैं, मेरे ही शिविर में मेरी ही हत्या हो सकती है, वास्तविक तिरस्कार हो सकता है, हुआ है, होता रहा है, होता रहेगा संभवतः। क्या इतिहास में हमें ऐसे प्रसंग नहीं मिलते हैं? खूब मिलते हैं। औरंगजेब ने पहले दारा, मुराद और सुजा को खत्म किया और घर को निष्कंटक करके बाहर चढ़ दौड़ा। दारा और औरंगजेब की यह जोड़ी आपको हर जगह मिलेगी, अमेरिका में भी, रूस में भी, साम्यवादी जगत में भी, पूंजीवादी साम्राज्यवादी दुनिया में भी, भारत में भी मिलती है। दारा की हत्या की संभावना हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। द्वंद्वात्मक स्थिति की गत्यात्मकता व्यक्ति रक्षा नहीं कर सकती, प्रवृत्ति रक्षा संपन्न करती है। इसीलिए दारा का जन्म बार बार होगा, और वह अपना प्रभाव फैलाने के बाद बार बार मारा जाएगा। दारा प्रभावशील, विद्वान और भीगा हुआ राजकुमार था। मैं वह नहीं हूँ, बहुत बहुत छोटा हूँ, जनसाधारण हूँ, अत्यंत अल्प हूँ। इसलिए मैं बार बार नहीं मरूंगा, एक बार मर जाऊंगा हमेशा के लिए, किसी के किए से नहीं, अपने किए। फिर भी एक प्रश्न है, और वह यह है कि मेरी अंतरात्मा कहाँ तक विकसित है? स्वयं के अनन्यकरण, इतरीकरण के साथ मैं कहाँ तक जगत के साथ अनन्यकरण और उसके स्वकीयकरण कर सका हूँ? दूसरे शब्दों में, अपनी अंतरात्मा के प्रयोजन को मैं कहाँ तक दृढ़ कर सका हूँ? आत्मालोचन निसंदेह आवश्यक है। जब तक हमारे कार्य तथा अनुभव प्राप्त ज्ञान से संपादित आत्म संशोधन अंतरात्मा के प्रयोजनों को ही दृढ़ और बलवान करते हैं, तभी तक उनकी सार्थकता है। जब तक वे उन प्रयोजनों से प्रसूत हमारी भाव परंपरा को विकसित और संपन्न करते हैं, तभी तक उनका उपयोग है। यह कहना महत्वपूर्ण इसलिए है कि मनुष्य कभी कभी अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है, और अपनी अंतरात्मा के प्रयोजनों के मार्ग से वह हट जाता है। ऐसे व्यक्ति का सारा अनुभवात्मक ज्ञान और दृष्टि प्रयोजनहीन होने के कारण केवल व्यर्थ का भार ही नहीं बन जाती, वरना
उसे तरह तरह के समझौतों के मार्ग पर आगे बढ़ाती है और ये समझौते क्रमशः उसके व्यक्तित्व को नपुंसक और गुप्त तथा प्रकट रूप से निराशावादी या भाग्यवादी बना देते हैं। वह अपने खुद के रास्ते से हट जाता है। निसंदेह यह प्रश्न उठता है कि मेरी अंतरात्मा कहाँ तक विकसित है। इस प्रश्न का उत्तर मैं इस तरह देता हूँ, मेरे जीवन ने इस जगत में अब तक जो यात्रा की है वह प्रयोजनहीन नहीं की है। मैंने अपने अनुसार कुछ हद तक परिस्थिति को बनाया और बिगाड़ा है। इस जीवन यात्रा में अभ्यंतर की एक पुकार रही है। नवयौवन अवस्था के पूर्व से ही मेरे प्रयोजन प्राप्त और विकसित होते गए और उन्हीं के अनुसार मैंने अपनी भावधारा विकसित की। यह भावधारा अंतर्निहित है। ये प्रयोजन मेरे निजत्व के मूल चक्र हैं। वे प्रयोजन क्या हैं? घर में, परिवार में, समाज में मनुष्य को मानवोचित जीवन प्राप्त हो, आर्थिक तुला के आधार पर घर में, परिवार में, समाज में मनुष्य के मूल्य को न आंका जाए। मनुष्य अपनी और अपने परिवार की अस्तित्व रक्षा के आर्थिक, भौतिक संघर्ष और तत्संबंधी चिंताओं से छूटकर निर्माण और सृजन के कार्य में लगकर समाज की उन्नति और प्रगति में योग दे तथा उसको अपने निजत्व के विकास के अवसर प्राप्त हों सबको समान रूप से। आर्थिक उत्पीड़न और शोषण मूलक यह जो भयानक पूंजीवादी समाज व्यवस्था है वह हमेशा के लिए समाप्त हो और उत्पादन तथा श्रम के समस्त माध्यमों तथा साधनों पर पूरे समाज का अधिकार हो। किसी को भी किसी का व्यक्ति स्वातंत्र्य खरीदने का अधिकार नहीं हो, न बेचने का। व्यक्ति स्वातंत्र्य को रहन न रखा जाए, न कोई किसी को रहन रखने दे, किंतु जो व्यक्ति स्वातंत्र्य समाजवाद और जनतंत्र के समन्वय में बाधक हो या इन दोनों में से किसी एक का भी उत्सर्ग करने के लिए उत्सुक हो, उस व्यक्ति स्वातंत्र्य को पूरा समाज सार्वजनिक रूप से निंदित और तिरस्कृत करे। समाजवाद जनता की, जनसाधारण की मुक्ति का राजपथ है और इसीलिए उसकी मूल आत्मा जनतांत्रिक है। कैसे जनसाधारण? वे कि जिन्होंने शोषण और उत्पीड़न की जंजीरों को अपने संगठित कार्यों द्वारा तोड़ दिया है। समाज उनके आर्थिक और पारिवारिक स्थिति की सुरक्षा की गारंटी लेता है, उनके बाल बच्चों की शिक्षा तथा चिकित्सा और जीविका कार्य की गारंटी लेकर उनके शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक गुणों के उत्कर्ष के कार्य को सिद्ध करता है और बढ़ते हुए सामूहिक उत्पादन की प्रणाली के आधार पर उसके जीवन स्तर को क्रमशः विकसित करता जाता है। मेरे जैसे कोटिशय अकिंचनों और अरक्षित जीवन वालों की मुक्ति का रास्ता है। समाजवाद की मूल आत्मा जनतांत्रिक है। जनतांत्रिक संस्थाओं और जनतांत्रिक विधि नियमों से उसे निबद्ध किया जा चुका है, किया जा सकता है। पोलैंड और यूगोस्लाविया जैसे अन्य अन्य देश इस जनतंत्र के उदाहरण हैं। जी हाँ, वहाँ समाजवादी समाज रचना को पलटकर फिर से पूंजीवादी समाज व्यवस्था को लाने वाली शक्तियों को स्वातंत्र्य नहीं है। मनुष्य में एक बहुत बड़ी शक्ति है, विकृत करने की शक्ति। व्यापक सामाजिक प्रभाव रखने वाले मार्गों और उनके प्रवर्तकों के विचारों को विकृत रूप में रखकर उस विकृत रूप का सच्चाई के नाम पर प्रचार किया गया है, चाहे वह बौद्ध धर्म हो या ईसाई मत या वह कोई अन्य भारतीय और अभारतीय धर्म हो। एक विशेष अनुकूल परिस्थिति पाकर विकारकर्ता अपनी एतत् संबंधी विकृतियों को फैलाते हैं। इन विकृतियों को जन चेतना द्वारा ही दूर किया जा सकता है। शिक्षित, सुसंस्कृत, आत्मगौरवपूर्ण मानव मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो समाज में तद्वत हो गया हो, जिसने समाज का स्वकीयकरण कर लिया हो, उसका परकीयकरण, इतरीकरण न किया हो, ऐसा मनुष्य ही अपने सामाजिक प्रभाव और सामूहिक कार्यों से उन विकृतियों को रोक सकता है। समाजवाद का विकृतिकरण हो सकता है, हुआ है और भविष्य में भी संभव है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वहाँ भी द्वंद्व स्थिति है। इस द्वंद्व स्थिति से छुटकारा नहीं। अंतर केवल यह है कि मनुष्य ने मानव परिस्थिति पर अब तक जो जो और जितनी जितनी विजय पाई है उसके उच्चतम स्तर पर चल रही वह द्वंद्व स्थिति है। आदिम कबीलों वाली सभ्यता के द्वंद्व से, दास सभ्यता वाले द्वंद्व से, सामंती सभ्यता में चल रहे द्वंद्व से, पूंजीवादी औद्योगिक स्थिति में चल रहा द्वंद्व, जिस सभ्यता स्तर का द्वंद्व है वह सभ्यता स्तर
पूर्वतर सभ्यता स्तरों से अधिक विकसित इस अर्थ में है कि मनुष्य ने अपनी परिस्थितियों पर पूर्व तरफ सभ्यता वाले स्तर के मनुष्य की अपेक्षा अधिक विजय पाई है। द्वंद्व स्थिति में होता यह है कि किसी एक विशेष पक्ष पर या उसके किसी एक विशेष कोण पर ही अधिक दृष्टिक्षेप होता है और शेष पक्षों पर या शेष कोणों पर केवल एक सामान्य दृष्टि सरसरी नजर ही डाली जाती है। इसका कारण यह है कि यह द्वंद्व स्थिति मानव जगत की द्वंद्व स्थिति होने से द्वंद्व करने वाले विशिष्ट प्रयोजनों से उन दृष्टियों का संबंध होता है। ज्ञान प्रयोजनों से सीमित और परिसीमित होता है। परिणामतः द्वंद्व स्थिति बदलते ही हमें अपने बौद्धिक उपादानों अर्थात सिद्धांतों में आवश्यक संशोधन करना पड़ता है। यथार्थ के निकटतम पहुंचने के लिए प्रयोजन के अनुसार उसमें उचित और आवश्यक दिशा में परिवर्तन करने के लिए हमें अपनी चेतना में भी यथार्थ अनुगत संशोधन करना पड़ता है। इसीलिए अनवरत अध्ययन अनुसंधान और प्रयोग की आवश्यकता होती है। हाँ, यह सही है कि प्रयोगों में गलती हो सकती है, भूलें भी हो सकती हैं, किंतु उसके बिना चारा नहीं है। यह भी सही है कि कुछ लोग अपने प्रयोगों से इतने मोहबद्ध होते हैं कि वे उसमें हुई भूलों से इनकार करके उन्हीं भूलों को जारी रखना चाहते हैं। वे अपनी भूलों से सीखना नहीं चाहते, अतः वे जड़वादी हो जाते हैं। जड़वाद कई तरह से प्रकट होता है। वह अध्यात्म का जामा पहनकर आता है और भौतिकवाद का भी। व्यक्तित्व और ज्ञान नया कुछ सीखने से इनकार कर देता है। परिणामतः उसमें ह्रास के लक्षण अधिकाधिक होते जाते हैं। महापुरुषों और दिग्गजों का, काव्य प्रवृत्तियों का, विचारधाराओं का क्रमशः ह्रास हमें इसी तरह से देखने में आता है। उनकी जमीन खिसकने लगती है। वे इतने ऊंचे हो जाते हैं कि जमीन खिसकते खिसकते वे सिर्फ आसमान में लटक जाते हैं। विगत काल में कमाई हुई अपनी पूंजी का वे केवल यश और प्रभाव रूपी ब्याज खाते रहते हैं। ऐसे न मालूम कितने ही मृत ज्वालामुखी हमें जीवन क्षेत्र में दिखाई देते हैं और अभी भी बड़े ऊंचे और प्रभावशाली बनकर स्थित सीमांतों पर तने हुए हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रयोग और अनुसंधान के नाम पर अब तक मानव जाति को प्राप्त हुए ज्ञान का अर्थात सिद्धांत व्यवस्था का अस्वीकार किया जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रयोग के नाम पर यथार्थ संगत कल्पनाओं और धारणाओं को सिद्धांतों को समाप्त कर दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि बदली हुई परिस्थिति में परिवर्तित यथार्थ के नए रूपों का उनके पूरे अंतः संबंधों के साथ अनुशीलन किया जाए, उनको हृदयंगम किया जाए। चेतना को अधिकाधिक यथार्थ संगत बनाने के लिए अतिशय संवेदनशील, जिज्ञासु और आत्मनिरपेक्ष मन की आवश्यकता होती है। चूंकि यथार्थ गतिशील है, इसलिए उसके गति नियमों का अनुशीलन करना आवश्यक है। नवनवीन उन्मेषों में व्यक्ति यथार्थ से विमुख रहकर या उसकी उपेक्षा करते हुए अथवा उसका निरादर करते हुए पुराने सिद्धांतों की व्याख्या तथा पुनर्व्याख्या द्वारा उसे निंदित करना मुझे अवैज्ञानिक और अनुचित मालूम होता है। ये सिद्धांत निसंदेह किसी काल में किसी यथार्थ के किन्हीं विगत रूपों से अथवा उसके आंशिक आकलन में उद्घाटित किन्हीं पक्षों से संबंध, संगति और सामंजस्य रखते थे। तभी वे उन विशेष सामान्यकरणों को धारण कर सके कि जो सामान्यकरण गत काल में उद्घाटित तथ्यों के सामान्यकरण थे। तात्पर्य यह कि एक और विचार और बुद्धि को क्रियाशील करके हम यदि केवल आंशिक सत्यों का उच्चार और पुनरुच्चार करते रहें तो इस कार्रवाई से हम भले ही अपनी अंतरात्मा को तृप्त कर लेने का क्षण प्राप्त कर लें, किंतु यह सत्य है कि ऐसी पिछड़ी हुई और असंस्कृत अंतरात्माएं यथार्थ से अपनी दूरी को और बढ़ाते हुए केवल भूतपूर्व ज्वालामुखी के रूप में ही रह सकेंगी। संभव है कि उनके आकार प्रकार का अभी भी प्रभाव हो, किंतु वे वह कंप नहीं पैदा कर सकती जिससे मनुष्य के हृदय की जड़ता और स्तब्धता समाप्त होकर वह यथार्थ को अपने अनुकूल बनाने के कार्य में जुट जाए। दूसरे शब्दों में, चेतना में जब तक अधिकाधिक यथार्थ संगति उत्पन्न नहीं होती अर्थात हम अपने आप में संशोधन परिवर्तन नहीं करते, खुद की ही काट छांट नहीं करते जाते, तब तक केवल उच्च आदर्शों के शंखों को बजाने से
उन संख ध्वनियों से न अपने हृदय का जागरण होगा और न यथार्थ का आकलन होगा। दूसरे शब्दों में अंतरात्मा का प्रश्न अपनी जीवन यात्रा में विकसित तथा अर्जित उस मूलभूत यथार्थ बोध तथा मानव मूल्यों की तत्पर क्रियाशीलता से लगा हुआ है कि जिस मूलभूत यथार्थ बोध के बिना और उन मानव मूल्यों के बिना हम अपने आप को एक ही साथ विश्व चेतन और आत्मचेतन नहीं कह सकते। अब अंत में मैं अपने मन के रहस्य को खोलकर इस प्रबंध से छुटकारा चाहता हूँ। वह इस प्रकार है, क्या मैंने या किसी भी कवि ने आज के बदलते हुए जमाने के संघर्षमय वाक्य चक्रों के वातावरण में अनेक प्रकार की भावधाराओं की टकराहट के बीच अपने मन और आत्मा की, अंतरात्मा की भी संपूर्ण अभिव्यक्ति अथवा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति अपने साहित्य में की है? क्या वह वैसा कर सकता है? इसका उत्तर मैं नितांत व्यक्तिक धरातल पर देना चाहता हूँ। यह एक विख्यात सत्य है कि कलात्मक अभिव्यक्ति श्रम साध्य है। भाव तथा उसको प्रकट करने वाली बहिरंतर सामंजस्यपूर्ण काव्य भाषा, इन दोनों का योग धीरे धीरे ही सिद्ध होता है। लेखक अपने एकांत में उसे साधने का प्रयत्न करता है, किंतु उसके बहुत से प्रयत्न यों ही असफल हो जाते हैं और इसलिए वे कभी भी प्रकाश में नहीं आ पाते। दूसरे शब्दों में लेखक अपने मन तथा जीवन की विभिन्न स्थितियों का प्रकटीकरण करता है, किंतु उसके अपने जीवन की स्थिति परिस्थितियों के फलस्वरूप, उसकी जीवन दशाओं के परिणाम स्वरूप पुनः पुनः उत्पन्न होने वाले जो भाव प्रसंग उपस्थित होते हैं और चले चलते हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति का अभ्यास और उन्हीं की अभिव्यक्ति पद्धति का विकास उसके द्वारा होता जाता है। परिणामतः उसके मन के अन्य भाव तथा संवेदनाएं काव्य में अप्रकट, किंचित प्रकट या अल्प्रकट रह जाती हैं। यद्यपि उसकी भाव दृष्टि द्वारा हमें यह मालूम हो जाता है कि उसका रुझान किस तरफ है। इस बात को यूं भी लिया जा सकता है, मान लीजिए किसी कवि की कुछ मूल आध्यात्मिक या राजनैतिक प्रेरणापूर्ण मानवीय आस्थाएं हैं, किंतु जहां वह ये आस्थाएं प्रकट करने लगता है वहां उसकी अभिव्यक्ति श्रीहीन हो जाती है, अथवा वह स्वयं उन आस्थाओं को वास्तविक जीवन में संवेदन प्रदान करने वाली अत्यंत अनुभूत आस्थाओं को बौद्धिक रूप में रखता सा प्रतीत होकर उन आस्थाओं से इतर जो भाव हैं उनका ही प्रभावशील अंकन करता है। ऐसी स्थिति में साधारण रूप से कहा यह जाता है, उसके बौद्धिक जगत का अंग हैं वे आस्थाएं। लेखक अभी तक उनसे अनुप्राणित नहीं है, किंतु यह दृश्य हमें दिखाई देता है कि मनुष्य अपनी कमजोरियों का शिकार रहना पसंद करता है। इन कारणों से मनुष्य अपने भीतर ही एक ओर वास्तविक मूल्य भावना तथा दूसरी ओर मन की इतर वृत्तियां, इन दो के बीच फासले खड़े कर लेता है। भीतर भीतर जहां इस तरह के फासले खड़े हो जाते हैं वहां मन आदर्शों की घोषणा नहीं करता है, यह बात नहीं है, यह प्रकट रूप से सामाजिक रूप से उनकी दुहाई भी देता है, किंतु असल में ये लोग खुद से हारे हुए होते हैं और भीतर की इस हार का नतीजा ठीक वही होता है जो उन तमाम फासलों का नतीजा है जो हम भाइयों भाइयों के बीच खड़े कर रखते हैं। हाँ, यह सही है कि कुछ फासले हमें अपने वर्गीय जीवन से प्राप्त होते हैं। टॉलस्टॉय और किसान, इन दो के बीच बेशक फासले थे, लेकिन वह उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। बाकी जो हम सरीखे हैं वे इन फासलों को संभवतः आत्मगौरव का रूप समझते हैं, या क्या, यह मैं नहीं जानता। मैं तो एक बात समझता हूँ और वह यह कि समाज में हमें संस्कार रूप में और भाव रूप में अवश्य ही उच्च मूल्य भावनाएं प्रदान करता है। हम उनसे प्रेरित भी होते हैं, किंतु बीच ही में व्यवधान आ जाते हैं और ये व्यवधान हमारी इच्छा वृत्तियों से उत्पन्न होते हैं। इन इच्छा वृत्तियों में अहंकार की तुष्टि भी सम्मिलित है। इन सारे कारणों से एक ओर मूल्य भावना या आस्था अर्थात आदर्श भावना तथा दूसरी ओर आकुल मन, इन दो के बीच खाई पड़ जाती है। आस्था का अस्तित्व जो उस समय मन के कोने में कहीं पड़ा हुआ है वह बौद्धिकता का परिणाम नहीं
वरना आत्मविभाजन का परिणाम है। कहा जाता है कि इस युग में व्यक्तित्व का विकेंद्रीकरण होता है। सच्चाई यह है कि आत्मविभाजन और व्यक्तित्व का विकेंद्रीकरण व्यक्ति मन पर परस्पर विरोधी स्वरूप के बाहरी दबावों का भी परिणाम होता है। यह कहना गलत है कि आदर्श भावना या आस्था सृजनशील नहीं होती, उसका स्वरूप ही ऐसा होता है कि वह सृजनशील हो। अपनी आदर्श भावनाओं या आस्थाओं के परिणाम स्वरूप ही लोग बाग राजनीति के क्षेत्र में बावजूद असफलताओं और कष्टों के बराबर बने रहते हैं। इन्हीं के परिणाम स्वरूप लेखक अनेक कष्टों के बीच अपना कार्य बराबर किए जाता है। सच तो यह है कि बौद्धिक आस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यदि आस्था या आदर्श भावना है तो वह अपनी तीव्रता या मंदता के अनुसार तीव्र या मंद संघर्ष कराती है, सृजन कराती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह सृजन कला के क्षेत्र में ही हो, वह वास्तविक कर्म जीवन में भी सृजनशील होती है। कला के अंतर्गत आस्था या आदर्श भावना अनुभवात्मक रूप से प्रकट होती है। वह संवेदनात्मक आत्मचिंतन या विश्व चिंतन के रूप में व्यक्त होती है। वह मनुष्य के मनोमय जीवन का अंग है। वह प्रयोगवादी तथा नई कविता के क्षेत्र में भी अनेक स्थानों पर देखी जा सकती है। किंतु प्रश्न यह है कि लेखक क्या प्रकट करने के लिए आतुर है। आस्था के जीवन मार्ग पर चलते हुए भी लेखक स्थान स्थान पर समय समय पर दुख, उद्विग्नता, तीव्र आक्षेपपूर्ण आलोचन भावना, निराशा, वैकल्य, आत्मालोचन और युयुत्सु भाव प्रकट करता है। यह आवश्यक नहीं है कि लेखक स्वयं आस्था के मार्ग पर चलते हुए अपनी आस्थाओं का रूप स्वरूप और उसकी रूपरेखा या रूप चित्र प्रस्तुत करे। हाँ, यह सही है कि उसकी भावनाओं में से वह आस्था किसी न किसी रूप से झलक झलक उठती है। अतएव जब हम किसी कलाकार में आत्मगत भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रधानता तथा उसकी आस्थाओं की रूपरेखा या रूप चित्र की अप्रधानता या अभाव देखते हैं, तो जल्दबाजी में यह निर्णय ले लेते हैं कि लेखक ने अपने आदर्श लक्ष्य या आस्था को या मूल्य भावना को केवल बौद्धिक रूप से ग्रहण किया है। मेरा अपना ख्याल है कि इस प्रकार के निर्णय सही नहीं है। यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काव्य अभिव्यक्ति अभ्यास सिद्ध होती है। एक विशेष प्रकार की भाव दशाओं की बारंबारता इतनी प्रबल होती है कि वह अपनी काव्यात्मक शब्दावली विकसित करती है, अपनी अभिव्यक्ति पद्धति विकसित करती है। लेखक जब इस या ऐसे ही आधार पर अपनी अभिव्यक्ति पद्धति विकसित कर लेता है, तब वह अभिव्यक्ति पद्धति स्वयं ही दृढ़ और जड़ हो जाती है। वह फिर अपनी उस अभिव्यक्ति पद्धति की पकड़ से छूट नहीं सकता जब तक कि वह अनवरत रूप से अभ्यास न करे। उसके चंगुल से छूटने का परिणाम यह होता है कि उसमें दूसरे प्रकार के भाव, जिसमें आदर्श भावना या आस्था भी शामिल है, प्रभावशील रूप से व्यक्त नहीं हो पाते। किंतु कलाकार की यह एक अवस्था विशेष ही है, वह उसको पार करके आगे बढ़ सकता है, अर्थात संवेदनमय जीवन अनुभव संपन्न आस्था चित्र अथवा मूल्यात्मक जीवन विवेचन, जीवन समीक्षा प्रस्तुत कर सकता है, करता भी है। किंतु ये सब बातें लेखक की वास्तविक जीवन यात्रा में हो रहे उसके व्यक्तिक विकास की दशाओं और दिशाओं पर निर्भर है। दिशा और उस ओर जाता हुआ पथ दोनों सही हैं। दिशा हमेशा आगे ही रहेगी, साथ साथ नहीं चलेगी। हाँ, उसकी संवेदनाएं साथ साथ चलेंगी, किंतु क्षितिज हमेशा आगे ही रहेगा। उसी प्रकार अंतरात्मा के आग्रह और अनुरोध हमेशा आगे आगे ही रहेंगे और लेखक उनका अनुगमन करेगा और उनका अनुगमन करते हुए भी यह सोचता रहेगा कि उसने अपने आग्रह लक्ष्यों को उपलब्ध नहीं किया। वह इस चिंतन से दुखी भी होगा, दुख प्रकट भी करता रहेगा। इस प्रकार लक्ष्य और उपलब्धि के बीच जो फासला है, वह आतुर मन के लिए बराबर बना रहता है, क्योंकि लक्ष्य स्वयं गतिमान है। मनुष्य की अपनी गति ही के कारण निष्कर्ष यह है कि इन तथ्यों को देखे बिना समीक्षक लेखक की भाव सरणी पर जो आक्षेप करते हैं, वे मुझे उचित नहीं प्रतीत होते। दोस्तों, ये था गजानन माधव मुक्तिबोध का लेख
नई कविता का आत्मसंघर्ष नामक उनकी पुस्तक से अंतरात्मा और पक्षधरता। इस लेख में मुक्तिबोध ने अपनी भाव संवेदना को, अपनी विचारधारा को अपनी पक्षधरता के साथ जोड़ा है और इस बात को स्थापित किया है कि जाने अनजाने में हम किन्हीं वर्गीय स्थितियों के कारण, अपनी जीवन स्थितियों के कारण, विचारों के कारण, चाहे हम उसको घोषित रूप से स्वीकार करें या ना करें, लेकिन किसी न किसी शिविर में, किसी न किसी पक्ष में, किसी न किसी धारा में हम शामिल होते हैं। इसलिए तटस्थता का जो ढोंग करते हैं, जो तटस्थता को अपना एक मूल्य के तौर पर स्थापित करते हैं, असल में यह एक छलावा ही है, विशेष तौर पे साहित्य और कलाओं की दुनिया में, क्योंकि कोई भी विचार इतना निरपेक्ष और इतना तटस्थ नहीं होता कि वह वर्ग विभाजित समाजों में सबके लिए एक जैसा प्रभाव डाले। कोई भी विचार किसी न किसी वर्ग की प्रेरणाओं को, लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है। इसी बात पर निर्भर करता है कि रचनाकार किस धारा को, किस भावधारा को ग्रहण कर रहा है। मुक्तिबोध ने स्पष्ट तौर पर संकेत किया है कि ये यांत्रिक की तरह से नहीं है, ये कोई मैकेनिकल बात नहीं है, बल्कि द्वंद्वात्मक तरीके से लेखक निरंतर गतिशील यथार्थ को यदि पकड़ने की कोशिश करेगा, वो इस कोशिश में, इस संघर्ष में कामयाब भी होता जाएगा और उसका अनुकरण भी करता जाएगा। जो लोग करनी और कथनी की एकता की बात करते हैं, उसके ऊपर भी मुक्तिबोध ने इस लेख में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि हमेशा ही जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, वो हमारी आज जहां पर हम हैं उससे आगे ही रहेंगे, क्योंकि जीवन गतिमान है, उसकी सच्चाइयाँ, उसका यथार्थ भी गतिमान है। जैसे जैसे व्यक्ति जिन स्थितियों को प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे उसका लक्ष्य भी आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए निरंतर प्रगति का यही एक मार्ग है। यदि कोई लेखक, विचारक, चिंतक, बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता अपने ही निर्मित ढांचों को, अपने ही निर्मित पद्धतियों को, अपने ही बनाई हुई सरणियों को तोड़ता नहीं है, तो वह उसमें बद्ध होकर के जड़ हो जाएगा। इस बात की ओर भी मुक्तिबोध ने संकेत किया है। इसलिए गतिमान यथार्थ पर अपनी नज़र रखते हुए निरंतर अपने ढांचों को, अपने सोचने के तौर तरीकों को, अपनी संरचनाओं को, अपने लक्ष्यों को, एक सृजनशील, एक संवेदनशील रचनाकार को, बुद्धिजीवी को या राजनीतिक कार्यकर्ता को उसे देखना पड़ता है, निर्मित करना पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों मुक्तिबोध का ये लेख आपको पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।